थोड़े समय पहनी रहूंगी। शर्मा गई मैं हाय हाय हाय, घबरा गई मैं हाय हाय हाय, शर्मा गई मैं घबरा गई मैं। सजना ने देखा तो मैं घूंघटा कर ली, बल्ले बल्ले जब तक ना पड़े आशिक की नजर, भूत वाला सिंगार अधूरा रहता है गुंगट के। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो वो क्लिप मैंने इसलिए ऐड कर दी, थोड़ा मतलब उस दिन मैं ऐड करना भूल गई थी क्योंकि वो वीडियो लेंथी हो गया था। फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं, दूसरे दिन की वीडियोस है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खीर पूड़ी सब्जी, यही सब कुछ बन रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाने जा रहे थे कि पापा और अनिका क्या कर रहे हैं। तो पापा और अनिका दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, तो यहाँ पे दोनों लोगों की मस्ती चल रही है और हम चलते हैं। पापा ने बोला था कि खीर बनाओ पूरी सब्जी बनाओ, तो हमने कहा ठीक है हम बनाते हैं, क्योंकि पापा कह रहे थे कि तुम बनाती हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाना मुझे, तो मैं अपने हाथों से बनाने जा रही हूँ। तो मैंने चावल यहाँ पे भिगो के रखे थे, तो वही मैं खीर बनाने जा रही हूँ। फिर घुइया की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वही घुइया चेक कर रही थी पक गई कि नहीं, तो पक चुकी हैं, मैं सूखी घुइया बनाऊँगी। तो गाइज़ मुझे एक कमेंट आया था कल की वीडियो पे, करवा चौथ की वीडियो पे कमेंट आया था। वैसे मैं कमेंट पे बात नहीं करना चाह रही थी, बट वो बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, मेरी मम्मी की बात थी, इस वजह से मैं बोलना चाह रही हूँ कि उसने कमेंट किया कि दी आपकी मम्मी को सोचना चाहिए था कि जिसकी बेटी का सुहाग ना हो तो उसकी माँ को इतना सर धज के और ऐसे चांद को छलनी में देख के और व्रत नहीं खोलना चाहिए था, ऐसे सिंपल सा व्रत खोल लेना चाहिए था। तो मैं उनसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखो वो सुहाग का था और साल में एक बार ये आता है, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये अवसर मिलता है सजने संवरने का, 16 सिंगार करने का अवसर मिलता है। तो प्लीज़ इसमें आप बैड कमेंट मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा तो आपको कैसे बुरा लग सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी मम्मी पूजा करती हैं और मैं चाहती हूँ वो ज़िंदगी भर जब तक उनकी सांसें चलें तब तक उनको ये पूजा करने का मौका मिले, क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब थी और हमारे बाबू नहीं हैं। तो रही बात ये चीज़ की, आप ऐसे बोल रहे हो कि जिसकी बेटी विधवा बैठी हो उसकी माँ को इतना ससवर के पूजा नहीं करनी चाहिए थी, तो ये गलत बात है। प्लीज़ ऐसे मतलब बात मत बनाया करो, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आपकी। आपको मेरी चिंता है, मुझे पता है आपको बुरा लगा कि मैं, मुझे बुरा लग रहा होगा मैं कैसे देख पा रही। हाँ मेरा पूरा दो दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, करवा चौथ के एक दिन पहले से मैं परेशान थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी लोग हैं जितने सुहागन हैं तो वो अब रेडी नहीं होंगे या जितने भी घर में हैं वो रेडी नहीं होंगे। उस दिन सबको होना चाहिए, उनके पास उनका सुहाग है तो उनको 16 सिंगार करना चाहिए। तो मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आपको ये मैंने कमेंट का जवाब दिया है। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि आपकी मम्मी को आपकी चिंता नहीं है, और चिंता होती तो इतना वो रेडी नहीं होती। तो पता नहीं मुझे इस चीज़ के लिए आपकी बात बुरी लगी, क्योंकि ये करवा चौथ है और ये
अपने सुहाग के लिए किया जाता है, तो उसमें सबको रेडी होने का पूरा हक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुइया की सब्जी। तो मैंने इसमें अजवाइन, नमक और गुइया डाल के ही बना लिया है, ऐसे सिंपल तरीके से। तो इधर मैं बना रही हूँ खीर एक भगोने में, और इधर गुइया बन जाएंगी। आटा लगा हुआ रखा हुआ है, पूड़ियाँ निकाल लूँगी, पापा को दूँगी खाने के लिए। और पापा को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और लगा भी था, और अच्छा लगता है जब मतलब हम बनाते हैं अपनों के लिए खाना। वैसे मेरा अब ज़्यादा मतलब कुकिंग में मन नहीं लगता है, जब से मेरे बाबू चले गए हैं इतना मैं मन से नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, लेकिन पापा की जब बात आती है, पापा बोलते हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ, उतने ही मन से बनाती हूँ कि उनको पसंद आए। और थोड़ा मैं बिज़ी भी हो जाती हूँ, है ना, इसीलिए शायद पापा मुझसे बोलते हैं। तो गाइज़, मेरी बात आप लोगों को ज़रा से भी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैंने सही कहा कि गलत कहा है। और तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दिया है, दूध ऐड कर रही थी, और बस ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर दूंगी, खीर बन जाएगी। क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं होता है कि ये चीज़ बनने जा रही है, पापा ने अचानक से बोला कि मुझे खीर खाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं खीर बना रही हूँ। तो वही चीज़ें हैं। तो इधर पूजा खड़ी हुई थी, तो पूजा पूछ रही थी क्या क्या डाला है खीर में, तो वही मैं उसको बता रही थी कि मैंने इस ग्लास से दूध डाला है। और हम ऐसे ही दोनों लोग, पूजा उस साइड कर रही थी कैमरे के पीछे, डांस हम इधर कर रहे थे, थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी हम लोगों की। और खाना भी बनना था, और अनिका उसके नानू टीवी देख रहे हैं जैसे आप लोगों ने देखा ही। तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहिए। Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. You had a certain find some self-comfort. So find a way to. आप लोगों ने देखा होगा, पापा हमारे देखने आए थे किचन में, तो देखने आए थे ये कि हमारी खीर हमने बना दी कि नहीं बनाई है। तो मेरी खीर बन गई है और सब्जी भी मेरी बन गई है। तो थोड़ी सी खीर मैं अलग भगोने में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी मॉर्निंग में खाने के लिए, और थोड़ी सी खीर इतने टाइम सभी लोग खाएंगे, थोड़ी सी फ्रिज में लगा दूंगी तो मॉर्निंग में सुबह सब खाएंगे। और इधर हम पूड़ियाँ सेकने जा रहे थे, तो जल्द गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक लेते हैं और फटाफट पापा को खाना देते हैं, क्योंकि पापा अभी किचन में आके और देखने आए थे कि हमारा खाना बन गया है कि नहीं बना है। तो वही चीज़ें हैं, और साथ ही साथ मेरा ब्लॉग भी बन गया है। तो प्लीज़ गाइज़, मेरे सिंपल से ब्लॉग रहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखो अपना, और प्लीज़ ऐसे कम मत करना। और क्या ब्लॉग में और तो कुछ होता है नहीं, रोज़ डेली तो हम रोज़ की मतलब क्या रोज़ में तो यही चीज़ें होती ना, घर के काम या हम कहीं जाते हैं जो भी होता है, और डेली फंक्शन तो होते ही नहीं है जो हम आपको दिखाएं। या तो इतना कुछ है भी नहीं मेरे पास कि मैं कुछ नया नया कर सकूं। तो प्लीज़ जिस तरीके से मेरे सिंपल ब्लॉग हैं, जो मेरी लाइफ में है, मैं वो आपको दिखाती हूँ, एकदम नेचुरल है और कुछ भी फेक नहीं रहता मेरे ब्लॉग में। और हमारी पूजा की बातें चल रही थी और मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, और अनिका खाना कह रही थी मम्मा जल्दी से निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो चलिए फिर मैं पूड़ियाँ फटाफट निकालती हूँ, और आपको भी खाना है तो आ जाइए।
गाइस खाना वाना सबको हम खिला के और आ गए छत पे। अनिका भी नीचे अपनी मासी के साथ में आएंगी। तो हमने बनाया था आज घुइया की सब्जी, पूड़ी और खीर। और पापा का मन था खीर खाने का, तो सबको खिला दिया है और हमने भी खा लिया। आज मैंने पूड़ी खाई है दो और अच्छा लगा। सब्जी पूड़ी तो खा लिया है। तो गाइस फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, और किस तरीके की मैं ब्लॉग बनाऊँ ये भी बता सकते हो। वैसे जिस तरीके से ब्लॉग बनते हैं वैसे ही बनाती हूँ, और जो है मेरी लाइफ में वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा 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 से ज़्यादा प्यार सपोर्ट कीजिएगा इसमें। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत तेज़ सी हवा चल रही थी, और तो वही मैं सूट कर रही थी आपको दिखाने के लिए कि इधर का वेदर कैसा है। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है इस टाइम पे हमारी, और हर जगह मुझे लगता है ठंडा हो गया है। और तो मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड कर दूँगी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा आपको। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय गाइस।